वेलकम टू माई चैनल टेक चीनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहला स्मार्टफोन रहेगा मोटरोला कंपनी का एंड दूसरा स्मार्टफोन रहेगा शाओमी के सब ब्रांड रेडमी का एक स्मार्टफोन। सबसे पहले हम मोटरोला के स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। तो सिंस आई सेड अपकमिंग वर्ड, तो डेफिनेटली आप सबको लगा होगा कि मैं मोटरोला P40 के बारे में बोलने वाली हूँ, बिकॉज येस, ये स्मार्टफोन को लेकर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लीक्स एंड रूमर्स आ रहे हैं। एंड ये है मोटरोला का फर्स्ट एवर स्मार्टफोन जिसके बैक पैनल में 3 कैमरास दिए गए हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आज मोटरोला P40 के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, मैं आज बात करूँगी एक और मोटरोला के न्यू सस्पेंस स्मार्टफोन के बारे में। वो कौन सा है, फिलहाल नाम तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये स्मार्टफोन की सबसे बड़ी एंड बिगेस्ट हाईलाइट ये है कि ये स्मार्टफोन के बैक पैनल में 4 कैमरास दिया गया है। तो बेसिकली ये स्मार्टफोन मोटरोला का फर्स्ट एवर स्मार्टफोन होगा जिसके रेयर पैनल में क्वाड कैमरास दिए गए हैं। तो यस, इस ये स्मार्टफोन के जुड़ी और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हुई है, इसके CAD रेंडर्स भी लीक हुए हैं। तो हम उसके डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशंस को लेके आगे और भी डिस्कस करते हैं कि क्या है ये स्मार्टफोन में एंड कब लॉन्च होने वाला है ये स्मार्टफोन। फिलहाल हम बात करते हैं शाओमी के रेडमी प्रो 2 के बारे में। तो ये स्मार्टफोन को लेके भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लीक्स एंड रूमर्स हो रहे थे। कहा गया था कि ये स्मार्टफोन 2019 बिगनिंग जनवरी में ही लॉन्च होने वाला था, बट फिलहाल वो स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ। बट अब जाके वापस ये स्मार्टफोन से जुड़ी और भी लीक्स मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि ये स्मार्टफोन में भी 3 कैमरास रहेंगे उसके बैक पैनल में। तो देखते हैं क्या है ये स्मार्टफोन के भी फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस एंड कब लॉन्च होने वाला है रेडमी प्रो 2। बट फिलहाल फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटरोला के ये अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। तो यस, एज पर द लेटेस्ट लीक्स एंड रूमर्स, मोटरोला का ये नए स्मार्टफोन के CAD रेंडर्स मार्केट में लीक हो चुके हैं, जहां पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये स्मार्टफोन के बैक पैनल में 4 कैमरा सेटअप्स दिया गया है। हालांकि हम ये स्मार्टफोन के डिज़ाइन को लेकर सबसे पहले बात करते हैं, तो फ्रंट में देखें तो यस, डेफिनेटली एक बड़ा स्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच भी दिया गया है, तो कोई भी ट्रेडिशनल नॉच या पंच होल नॉच नहीं दिया गया है। तो बेसिकली उसका जो वाटर ड्रॉप नॉच है, वहीं पे उस स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा प्लेस किया जाएगा। बैक पैनल को देखते हैं तो यस, अगेन ये स्मार्टफोन स्टाइलिश तो लग ही रहा है, बिकॉज बैक पैनल में भी एकदम मेटेलिक फिनिश दिया गया है। हालांकि एक कंसर्न है कि उसके जो 4 कैमरास प्लेस किए गए हैं एंड उसके नीचे आप देख रहे हो कि मोटरोला का ब्रांडिंग भी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा पैच है तो शायद ये स्मार्टफोन बम्पी ना हो जाए जब आप उसको कोई प्लेन सर्फेस पर रखो। तो इसके अलावा अगर हम लोग स्मार्टफोन के कैमराज पर और स्पेसिफाई करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन किया गया है द लेटेस्ट लीक्स, ये स्मार्टफोन में भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर्स रहेंगे। नाउ हियर फ्रेंड्स, देयर इज़ अ कैच, बिकॉज ये नहीं कहा गया है कि ये स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल सेंसर्स का रहेगा, एज इन ये चारों कैमरा सेंसर्स को मिला के टोटल 48 मेगापिक्सल होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि नोकिया 9 प्योर व्यू में सारे कैमरा सेंसर सेम मेगापिक्सल के थे, 12, 12, 12। हालांकि इसमें भी ऐसा हो सकता है, सम अप होता है 48 को, बट फिलहाल उस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ये सिर्फ एक असम्पशन है। हालांकि इसमें कौन से टाइप के सेंसर्स रहेंगे, मोनोक्रोम है, टेलीफोटो है, फिलहाल उस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा हम लोग कैमरा प्लेसमेंट के लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा देखें तो क्लियरली दिख सकता है कि यहाँ पे डुअल LED फ्लैश भी दिया गया है। साथ में हम देखें तो थोड़ा मोटरोला के स्मार्टफोन में थोड़ा अनकन्वेंशनल डिज़ाइन है कि उसके बॉटम में हम देखें तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि USB टाइप सी कनेक्शन मिलता है, उसके बाजू में 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है एंड ये स्मार्टफोन के टॉप एच पे स्पीकर्स भी दिए गए हैं एंड इसके अलावा सिम ट्रे भी दिया गया है। डिज़ाइन वाइज ओवरऑल देखें तो ये स्मार्टफोन अच्छा है, स्टाइलिश है, बट येस, आई एम पर्सनली वरिड कि ये स्मार्टफोन ज़्यादा बम्पी ना हो। ये तो जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा जब हम उसको कोई सर्फिस पे रखेंगे कि क्या है ये स्मार्टफोन एक्चुअली बम्पी होता है कि नहीं। इसके अलावा अगर हम लोग मोटरोला के स्मार्टफोन के और भी बारे में बात करें तो येस, स्मार्टफोन में हमको 6.2 इंचेस का स्क्रीन मिलेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के हिसाब से स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर तो रहेगा ही, बट एज पर द लेटेस्ट लीक्स स्मार्टफोन में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा, ना कि फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। जनरली मोटरोला का जो लोगो रहता है वहां पे एम्बेड किया जाता है ये स्मार्टफोन का फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, बट फिलहाल ये स्मार्टफोन में ऐसा नहीं रहेगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन को लेके, उसके प्रोसेसर को लेके, बैटरी को लेके एंड उसके रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को लेके कोई भी लीक्स मार्केट में आए नहीं हैं। तो फिलहाल इतने ही डिटेल्स रिवील हुए हैं मोटरोला के इस नए स्मार्टफोन के बारे में जिसमें 4 कैमरास दिए गए हैं उसके बैक पैनल में। नाम मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज स्मार्टफोन का नाम भी ऑफिशियल नहीं हुआ है,
बट कहीं ना कहीं मैं मोटोरोला P40 से उसका कनेक्शन लगाने की कोशिश कर सकती हूँ। आई एम टेलिंग यू कि इट इज़ नॉट कन्फर्म, कहीं पे भी न्यूज़ में नहीं है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर हम बात करते हैं मोटोरोला P40 के बारे में, तो वो स्मार्टफोन में भी हम लोग को 6.2 इंचेस का स्क्रीन मिलता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में हमको 3500 mAh की बैटरी मिलती है। ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे एक्सिनॉस का चिपसेट रहेगा 9610 वाला। इसके अलावा 3 और 4 GB ऑफ रैम वेरियंट्स रहेंगे, साथ में 64 GB या 128 GB के स्टोरेज वेरियंट्स के साथ। एंड ऑफकोर्स वहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप भी दिया गया है। तो वो था मोटोरोला P40। अगर हम लोग ये स्मार्टफोन के बारे में बात करें, तो ये नए स्मार्टफोन में भी 6.2 इंचेस का स्क्रीन तो था ही। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर वो मोटोरोला P40 है, तो ये स्मार्टफोन मोटोरोला P40 नोट हो सकता है। बट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, दैट्स माय पर्सनल कनेक्शन, उस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये थोड़ा बहुत अजम्पशन लगाने की ट्राई की है। बट येस, डेफिनेटली वी हैव टू वेट कि ये स्मार्टफोन का नाम फाइनली क्या रहेगा, क्या मॉडल नंबर रहेगा, एंड और भी क्या लीक्स एंड रूमर्स आते हैं ये स्मार्टफोन के। बिकॉज एज आई सेड के स्मार्टफोन के हाईलाइट है कि ये है मोटोरोला का फर्स्ट एवर स्मार्टफोन जिसके बैक पैनल में हमको 4 कैमरास मिलते हैं। बट येस, जैसे जैसे ही मोटोरोला के इस सस्पेंस स्मार्टफोन को लेकर और भी मार्केट में लीक्स एंड रूमर्स आते हैं, तो डेफिनेटली मैं आप सबको अपडेटेड रखूंगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं Xiaomi के Redmi Pro 2 के बारे में। फ्रेंड्स, एज द नेम क्लियरली सजेस्ट, ये स्मार्टफोन Xiaomi Redmi Pro का सक्सेसर स्मार्टफोन है। Xiaomi Redmi Pro 2016 में ही लॉन्च हो चुका था, अब जाके ये स्मार्टफोन एंड अब इसका सक्सेसर स्मार्टफोन आया है। हालांकि ये स्मार्टफोन को लेकर काफ़ी लीक्स एंड रूमर्स काफ़ी टाइम से मार्केट में आ ही रहे थे। शुरू में भी मैंने कहा था कि ये जनवरी में लॉन्च हुआ था, बट नहीं हुआ। बट अब ये स्मार्टफोन को लेके और भी ऑफिशियल लीक्स मार्केट में आए हैं। तो चलिए अब हम Xiaomi Redmi 2 Pro के डिज़ाइन को लेके बात करते हैं। ये से स्मार्टफोन का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, ग्रेडियन कलर का ट्रेंड एंड वही नज़र आ रहा है ये स्मार्टफोन में भी। ये स्मार्टफोन के बैक पैनल से हम पहले बात करते हैं, तो ये क्लियरली एकदम कूल ग्रेडियंट शेड दिख रहा है ये स्मार्टफोन में। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिख रहा है, एक के नीचे एक प्लेस किए गए हैं वर्टिकली। वो तीनों कैमरास के नीचे हमको LED फ्लैश भी दिखाई दे रहा है। एंड थोड़ा और नीचे देखें तो क्लियरली Redmi का ब्रांडिंग किया गया है। एंड ऐसा कहा गया है कि इसमें जो रेयर पैनल में जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 MP सेंसर्स का रहेगा, विच विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू Redmi Note 7 के, विच विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू Redmi Note 7 Pro। एंड चलिए अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल को लेके। तो ये स्मार्टफोन का फ्रंट पैनल भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्यों? बिकॉज ये स्मार्टफोन आप देख सकते हो कि एकदम फुल व्यू दिया गया है, H2H डिस्प्ले दिया गया है, एकदम मिनिमम बेजल्स रखे हैं ये स्मार्टफोन में। आप देख सकते हो कि कोई ये स्मार्टफोन में कोई भी ट्रेडिशनल नॉच, पंच होल या वाटर ड्रॉप नॉच नहीं दिया गया है। तो बेसिकली स्मार्टफोन में स्लाइडर पॉपअप कैमरा का फीचर दिया गया है। तो ये स्मार्टफोन में जो पॉपअप कैमरा है वो टॉप राइट से बाहर निकलेगा जब आपको सेल्फी क्लिक करना है या फिर वीडियो कॉलिंग करना है। ये अगेन एक इंटरेस्टिंग फीचर है Redmi Pro 2 का। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, कहीं पे भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का मेंशन नहीं किया है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्मार्टफोन में कहा गया है कि लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 855 का चिपसेट रहेगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोग रिकॉल करें पुराने Xiaomi Redmi के स्मार्टफोन, तो तब ऐसा था कि Xiaomi एकदम बजट प्राइस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रही है, जहां पे वो लो रेंज से लेके मिड रेंज स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, ताकि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी क्राउड को कैप्चर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में शेयर कैप्चर कर सके। बट अब Redmi शायद अपना गेम थोड़ा सा चेंज कर रहा है। अब बजट स्मार्टफोन से आगे बढ़ के वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन यस मार्केट में डेवलप करके रखने वाले हैं। एंड Redmi Note एंड ऑफकोर्स Redmi Pro 2 इज ए गुड एग्जाम्पल, बिकॉज यहाँ पे आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है जो कि है Qualcomm Snapdragon 855 का। उसके अलावा नो बेजल्स पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, साथ में स्मार्टफोन के बैक पैनल में ट्रिपल कैमरा सेटअप भी दिया गया है। एंड फिलहाल तो ये स्मार्टफोन को लेके इतने ही लीक्स एंड रूमर्स मार्केट में हैं, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमको लगता है कि ये स्मार्टफोन Xiaomi का एक थोड़ा हाई एंड स्मार्टफोन होने वाला है, इफ नॉट मच। तो फिलहाल फ्रेंड्स, Redmi Pro 2 के बारे में इतनी ही बात लीक हुई है, इतनी ही बात पता चली है। तो लेट्स सी कि ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होता है। बट यस फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन अभी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये स्मार्टफोन को ऑफिशियल होने के लिए। एंड यस, जब Xiaomi Redmi Pro 2 के भी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन आ जाएंगे, तब डेफिनेटली हम लोग उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, टिल देन आज के इस वीडियो में इतना ही था Motorola के अपकमिंग सस्पेंस स्मार्टफोन के बारे में, फर्स्ट एवर Motorola का क्वाड कैमरा वाला स्मार्टफोन एंड Xiaomi Redmi Pro 2 जहाँ पे पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, रेयर पैनल में 3 कैमरा सेटअप दिया गया है। क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये दोनों स्मार्टफोन, सो लेट्स सी कि कब ये दोनों स्मार्टफोन्स ऑफिशियल होते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।